नेक्स्ट टॉपिक है फीडिंग बिहेवियर। इसमें सबसे पहले फोरेजिंग को देखते हैं। फोरेजिंग क्या होता है? वो सारी प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करता है उसको क्या बोलते हैं? फोरेजिंग बोलते हैं। जो फॉरेस्ट फूड होता है उसको वो या तो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है उसको फीडिंग बोलते हैं, या फिर उसको लेटर कंजप्शन बाद में कंज्यूम करने के लिए वो स्टोर कर लेता है। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे जो गिलहरी होती है वो नट्स जितना खाती है उतना खाती है, बाकी वो ज़मीन में खड्डा करके छुपा देती है, उसको स्टोर कर देती है बाद में खाने के लिए। इस प्रोसेस को हॉर्डिंग बोलते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो फॉरेज फूड होता है उसको दूसरे इंडिविजुअल को फीड करवाते हैं, जिसको प्रोविजनिंग बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल अपन ने हनी बी में देखा था, जो वर्कर बी होती है वो लार्वा को फीड करती है, तो जो फॉरेज फूड होता है वो दूसरे इंडिविजुअल को वो फीड करवाती है और इसको प्रोविजनिंग बोलते हैं। अब नेट कॉस्ट ऑफ फॉरेजिंग देखते हैं। फॉरेजिंग में जो नेट कॉस्ट होता है वो कितना होता है? जो खाना कंज्यूम किया और डाइजेशन से उस खाने से कितनी एनर्जी ऑब्टेन हुई, उस एनर्जी को माइनस कर देंगे, खाना ढूंढने में सर्च करने में कितनी एनर्जी इन्वेस्ट हुई, उसके साथ साथ खाने को परस्यू करने में कितनी एनर्जी खर्च हुई और उस खाने को डाइजेस्ट करने में कितनी एनर्जी हुई, इन तीनों एनर्जी को मिला के जो एनर्जी ऑब्टेन हुई और जितनी खर्च हुई उन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने पास नेट कॉस्ट ऑफ फोरेजिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रिडेशन टैक्टिक्स। इसमें सबसे पहले देखते हैं सोशल प्रिडेटर्स। सोशल प्रिडेटर्स कौन होते हैं? वो एनिमल्स जो ग्रुप में हंटिंग करते हैं, एक साथ मिलके हंटिंग करते हैं। इनसे उनको फ़ायदा क्या होगा? अपने से बड़ी साइज़ के एनिमल को वो हंट कर सकते हैं, उसकी हंटिंग कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल देखते हैं, लायन, वॉल्स और जो हाइनास होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रुप में एक साथ मिलकर हंटिंग करते हैं। सॉलिटरी प्रिडेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? अकेले हंटिंग करते हैं, अकेले प्रिडेशन करते हैं। और इसका एग्जांपल है गोल्डन ईगल और भी बहुत सारे एनिमल हैं जो अकेले ही हंटिंग करते हैं। नेक्स्ट अम्बुश प्रिडेटर्स, ये वो एनिमल्स होते हैं जो सिट एंड वेट मेथड अपनाते हैं। वो कहीं छुप के ऐसे स्थान पे बैठ जाते हैं, अपने प्रे को विजिबल नहीं होते और वेट करते हैं कि कब उनका प्रे उनके पास आए और वो उसको कैच कर ले। और इसका एग्जांपल है वाइपर्स, टाइगर्स। और कुछ जो नॉक्टर्नल एम्बुश प्रिडेटर्स होते हैं जैसे कैट्स एंड स्नेक्स, उनमें क्या होता है? वर्टिकल स्लिट प्यूपिल्स होते हैं और इन वर्टिकल स्लिट प्यूपिल्स की हेल्प से वो जो प्रे होता है उसकी डिस्टेंस को जज कर लेते हैं कि जो प्रे है वो कितनी दूरी पर है, क्योंकि रात को डिम लाइट होती है। तो ये वर्टिकल स्लिट प्यूपिल्स उनको हेल्प करते हैं जो प्रे और उनके बीच की दूरी कितनी है ताकि वो आसानी से अटैक कर सके। और जो कैमेलियंस होते हैं वो कैमोफ्लेज यूज़ करते हैं प्रे के पास पहुँचने के लिए। तो एम्बुश प्रिडेटर्स कौन होते हैं? जो किसी ऐसे स्थान पर छुप कर बैठते हैं और वेट करते हैं कि कब उनका प्रे आएगा और वो उस पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट परस्यूट प्रिडेटर होते हैं, ये अम्बुश प्रिडेटर के उल्टे होते हैं। अम्बुश प्रिडेटर तो बैठे रहते हैं और वेट करते हैं, और परस्यूट प्रिडेटर क्या करते हैं? अपने प्रे का पीछा करते हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को यूज़ करते हैं प्रे पे अटैक करने के लिए और उसका एक्टिवली चेस प्रे एक्टिवली प्रे का पीछा करते हैं। और इसका एग्जांपल होता है चीता, लायन और जो वॉल्स होते हैं वो अपने शिकार के पीछे दौड़ते हैं उसे पकड़ने के लिए। और कई कई एनिमल्स तो काफ़ी लंबी दूरी तय कर लेते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए, जिसका एग्जांपल है वाइल्ड डॉग्स। नेक्स्ट है एंटी प्रिडेटर एडेप्टेशन। इसमें अपन देखेंगे कैसे एक एक प्रे खुद को अडेप्ट करता है ताकि प्रीडेटर के अटैक से बच सके। इसमें दो टाइप के डिफेंस होते हैं, एक तो प्राइमरी डिफेंस होता है और एक सेकेंडरी डिफेंस होता है। प्राइमरी डिफेंस में एक इंडिविजुअल या एक एनिमल वो सारे बिहेवियर अपनाता है जिससे उस पे जो प्रीडेटर अटैक करे उसकी प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाए। वो सारे बिहेवियर इन्वॉल्व होते हैं इसमें जिसके थ्रू उस पे प्रीडेटर का अटैक कम से कम हो। सेकेंडरी डिफेंस में क्या होता है? वो सारे बिहेवियर इंक्लूडेड होते हैं। मान लीजिए अटैक हो गया तो अटैक सक्सेसफुल ना हो, उसको कोई हार्म नहीं हो, उसको कोई इंजरी ना हो, तो वो सारे मेथड किस में आते हैं? सेकेंडरी डिफेंस में आते हैं। प्राइमरी डिफेंस में तो वो खुद पे अटैक होने से रोकता है और गलती से अगर अटैक हो गया तो उस अटैक को सक्सेसफुल ना बनाए, वो सारे मेथड किस में आते हैं? सेकेंडरी डिफेंस में आते हैं। प्राइमरी डिफेंस, इसका फर्स्ट मेथड है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है? ये एक विजुअल डिसेप्शन होता है जिससे कोई भी एनिमल अपनी सराउंडिंग के साथ ब्लेंड हो जाता है और प्रिडेटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये या तो जो एनिमल होता है वो किसी ऐसे सबस्ट्रेट पे मूव करता है जिसका बैकग्राउंड उससे मैच करता हो। इसका एग्जांपल है कैटिडिस या पाइन मोथ।
पाइन मोथ या कैटिडिस क्या करते हैं, ऐसे सबस्ट्रेट पे मूव कर जाते हैं जिसका बैकग्राउंड उनके बॉडी कलर से मैच होता हो, या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक्टिव रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है पिगमेंट का. उनकी बॉडी में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका पूरी बॉडी पे एक्टिव रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसकी वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है. इसका एग्जाम्पल है कैमेलॉन्स. फिर कैमोफ्लेज में क्या होता है, काउंटर शेडिंग होती है. काउंटर शेडिंग मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में देखी जाती है. इनमें क्या होता है, जो उनका डोर्सल पार्ट होता है बॉडी का वो डार्क होता है और जो वेंट्रल पार्ट होता है वो लाइट होता है. तो इनमें बॉडी में क्या होती है, काउंटर शेडिंग होती है. दो शेड्स होती हैं, जो ऊपर वाली होगी जो डोर्सल होगी वो क्या होगी, डार्क होगी, और जो वेंट्रल होगी वो क्या होगी, लाइट होगी. तो इस काउंटर शेडिंग की वजह से वो प्रीडेटर को कंफ्यूज करते हैं. कैमोफ्लेज के एग्जांपल शोर क्रैब्स में भी कैमोफ्लेज देखा जाता है, और जो मैंटिस होता है उसमें भी कैमोफ्लेज मिलता है. काउंटर शेडिंग के एग्जाम्पल है एक तो ऑक्टोपस और एक स्क्विड. फिर क्या होता है, डिस्ट्रप्टिव कलरेशन होता है. डिस्ट्रप्टिव कलरेशन जिसका एग्जाम्पल है जेब्रा में जो स्ट्राइप्स और स्पॉट्स होते हैं वो डिस्ट्रप्टिव कलरेशन का एग्जाम्पल होते हैं. इसमें वो वेरियस बैकग्राउंड से क्या होते हैं, मैच हो जाते हैं और अपने प्रीडेटर के अटैक से बच जाते हैं. नेक्स्ट है मिमिक्री. इसमें सबसे पहले है मुलेरियन मिमिक्री. मुलेरियन मिमिक्री में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं या फिर डेंजरस होते हैं या फिर खाने में टेस्टी नहीं होते. तो ये जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, एक सिमिलर अपीरियंस डेवलप करते हैं. और वो सिमिलर अपीरियंस उनकी ब्राइट कलर का पैटर्न हो सकता है, या फिर उनके विंग का पैटर्न हो सकता है, या मिमिक्री रिंग्स हो सकती हैं. कुछ भी सिमिलर अपीरियंस वो डेवलप करते हैं, और वो दोनों क्या होते हैं, या तो पॉइजनस होते हैं या फिर डेंजरस होते हैं, या खाने में टेस्टी नहीं होते, और दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर होते हैं. एक दूसरे को क्या करते हैं, मिमिक करते हैं. जब प्रीडेटर इनमें से किसी एक को खाता है और उसको पता चल जाता है कि ये ऐसा दिखने वाला या ऐसा अपीरियंस वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पॉइजनस होता है या फिर डेंजरस होता है, खाने में टेस्टी नहीं होता, तो वो ऐसे दिखने वाले, ऐसे सेम अपीरियंस वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो अटैक नहीं करता. तो मुलेरियन मिमिक्री में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को मिमिक करते हैं वो दोनों ही क्या होंगे, डेंजरस होंगे या फिर पॉइजनस होंगे या अनपैलेटेबल होंगे, खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होंगे. और इसका एग्जाम्पल ये मोस्टली बटरफ्लाइज़ में देखी जाती है. बेट्सियन मिमिक्री होती है. इसमें जो हार्मलेस इंडिविजुअल होता है, हार्मलेस ऑर्गेनिज्म होता है, जो हार्मलेस स्पीशीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, हार्मफुल स्पीशीज़ को इमिटेट करती हैं. इसका एग्जांपल होता है जैसे कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते, वो इमिटेट करते हैं पॉइजनस स्नेक जैसे. तो यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या करते हैं, मिमिक करते हैं. जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मेरे पे अटैक मत करना, मैं भी क्या हूँ, पॉइजनस हूँ. तो जो नॉन पॉइजनस स्नेक है वो मिमिक करते हैं किसके जैसे, जो पॉइजनस स्नेक होता है उसके जैसे मिमिक करते हैं. नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन. इसमें जो प्रे होता है वो प्रेडेटर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और खुद वहाँ से बच के निकल जाता है. इसमें सबसे पहले है ब्राइट कलरेशन. जो प्रे होता है वो अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेता है, ब्राइट या डार्क कलर कर लेता है. और जो मोस्टली जो डार्क कलर या ब्राइट कलर है वो शो करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, टॉक्सिक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेडेटर द्वारा अवॉइड किए जाते हैं. फिर जो प्लोवर होते हैं वो अपना जो घोंसला होता है उसको छोड़ के ऐसे दूसरे स्थान से उड़ते हैं जब उनको कोई प्रेडेटर आता हुआ दिख जाता है. अलाउ देमसेल्व्स टू बी फ्लश्ड आउट ऑफ ए फॉल्स नेस्ट, और ऐसे करके वो प्रेडेटर को अपने घोंसले से दूर लेके चले जाते हैं. और प्लोवर में ही देखा जाता है वो ब्रोकन विंग डिस्प्ले करते हैं. वो ऐसे खुद को डिस्प्ले करते हैं जैसे ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो इंजर्ड हो गए और प्रेडेटर को कन्फ्यूज कर देते हैं. नेक्स्ट है ग्रुप लिविंग. इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं ताकि प्रेडेटर को अटैक से बच पाएँ. और यहाँ पे एक टर्म है डाइल्यूशन इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डाइल्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ही सिंगल इंडिविजुअल पे अटैक होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी. जितना बड़ा ग्रुप होगा तो जो प्रेडेटर होगा वो किसी एक इंडिविजुअल पे अटैक नहीं कर पाएगा. तो डाइल्यूशन इफेक्ट क्या क्या बताता है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी कम किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करने की प्रोबेबिलिटी होगी. सब एक साथ रहेंगे तो किसी एक इंडिविजुअल पे अटैक होना पॉसिबल नहीं होगा. और ग्रुप लिविंग के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे प्रेडेटर का अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, प्रेडेटर आ रहा है पहले ही पता चल जाता है. और जब ये कोऑपरेट
कोऑपरेशन होता है इनमें, ग्रुप में रहते हैं तो इनमें शेयर्ड विजिलेंस होता है सब। इनमें क्या होता है, शेयर्ड विजिलेंस होता है। जैसे कोई ग्रुप है तो ग्रुप के दो तीन मेंबर क्या करते हैं, विजिलेंस करते हैं। और इसमें अर्ली अलार्म सिग्नल्स, इतने सारे मेंबर एक साथ रहते हैं तो प्रेडेटर किसी ना किसी एक को तो आता हुआ दिख जाता है और वो अलार्म सिग्नल्स दे देता है, अलार्म कॉल्स दे देता है और बाकी ग्रुप के मेंबर को अलर्ट कर देता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और ग्रुप लिविंग जो एंटी प्रेडेटर कोऑपरेशन है वो किस में देखने को मिलता है, फिश में देखने को मिलता है, मीर कैट्स में देखने को मिलते हैं, हंटिंग स्पैरो में, फैलकॉन्स में और रेड शैंक में। नेक्स्ट सेकेंडरी डिफेंस के मेथड देखते हैं। इसमें क्या होता है, जब अटैक हो भी जाए तो उस अटैक के सक्सेस को कैसे रिड्यूस करना होता है। इसमें फर्स्ट मेथड है डेथ फीलिंग। इसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसकी डेथ हो गई। जिसका एग्जांपल अपन देखते हैं ग्राउंड ड्वेलिंग चिक्स, जो चिक्स होती हैं कोई प्रेडेटर उन पर अटैक करता है तो वो क्या करता है, उसको मुँह में दबोचता है और वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे मर गए। तो जो प्रेडेटर होता है वो उसको ग्राउंड पे छोड़ देता है और दूसरे चिक्स के पीछे भागता है और वो अपनी आँख खोल के देखता है, प्रेडेटर दूर चला जाता है तो वो वापस क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करना कि डेथ हो गई है, तो ये क्या होती है, डेथ फीलिंग मेथड होता है। और इससे क्या होता है, जो प्रेडेटर होता है वो दूसरे डिफरेंट प्रे पे मूव करता है। और ये डेथ फीलिंग किस में देखने को मिलती है, एक तो चिक्स में देखने को मिलती है और होग्नोस स्नेक्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट मिस डायरेक्टिंग द अटैक, इसमें अटैक को मिस डायरेक्ट कर देता है। जब प्रेडेटर अटैक करता है तो वो अपने वाइटल बॉडी पार्ट्स को उससे बचा लेता है और अपने एक्सपेंडेबल पार्ट्स को आगे कर देता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं टेल शेडिंग इन लिजार्ड, और जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी टेल का शेप एकदम हेड जैसा बना लेते हैं ताकि प्रेडेटर उनके रॉन्ग साइड पे अटैक करें, टेल पे अटैक करें, उनका हेड क्या हो अटैक होने से बच जाएँ। और जो मॉलस्क होते हैं उन पे अटैक होता है, फ़िश उन पे अटैक करती है। जीनस लाइमा के मॉलस्क की बात करें तो फ़िश उन पे अटैक करती है तो वो अपने टेंटिकल्स को एक्सपेंड कर देती है, उसकी वजह से फ़िश उनके टेंटिकल्स पे अटैक करती है। प्रोटीन बिहेवियर, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रेडेटर को कंफ्यूज करने के लिए इरेटिकली अपनी अपीयरेंस चेंज करता है। इसका एग्जांपल देखते हैं जो सिफेलोपोड्स होते हैं उन पे अटैक होने पे वो क्या करते हैं, इंक को स्क्वर्ट करते हैं अपनी ओपनिंग के थ्रू और बॉडी कलर को चेंज करते हैं और रैपिडली वहाँ से मूव कर जाते हैं। इसमें अलार्म सिग्नल्स, इसमें ऑर्गेनिज्म अपने दूसरे ग्रुप के मेम्बर्स को वार्न करता है और एक कोऑर्डिनेटेड एस्केप का प्लान करता है। इसमें परसुएड डिटरेंस, इसमें जो प्रे होता है वो अपनी एस्केप होने की एबिलिटी का एडवर्टाइजमेंट करता है। जिसका एग्जांपल अपन देखते हैं जो गैजल्स होते हैं, जब चीता उन पे अटैक करने के लिए आता है तो वो जंपिंग के साथ साथ होपिंग भी करते हैं और ये एडवर्टाइज करते हैं कि अटैक करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं एस्केप हो जाऊँगा और मेरे पास ये क्वालिटी है, मैं जंपिंग के साथ साथ होप भी कर सकता हूँ। और जो गैजल्स होप करते हैं जंपिंग के साथ साथ उसको स्टोटिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रे होता है वो एडवर्टाइजमेंट करता है अपनी एबिलिटी टू एस्केप, अपनी एस्केप होने की एबिलिटी का एडवर्टाइजमेंट करता है। और जैसे लिजार्ड क्या करते हैं, पुशअप डिस्प्ले करते हैं।